हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों, क्या हाल चाल है? आ गया तू? तेरे को और भी टैगलाइन नहीं मिलती है? इससे घटिया टैगलाइन मैंने आज तक नहीं देखी है। हेलो भाई, आप कौन? भाई मैंने आपको नहीं पहचाना, यहाँ कोई चंदा बंदा नहीं मिल रहा, जाओ यहाँ से। अबे मुझे नहीं पहचाना तूने? अबे मैं अंधकार हूँ, अंधकार। अरे अरे सॉरी यार, माजरा यार, वो उधर ना फ्लो में इधर उधर निकल जाता हूँ। बहरहाल यार तूने मेरे बारे में पूछा है, मैं तेरा जमीर हूँ। जमीर? यार मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मेरा जमीर नाम का तो कोई रिश्तेदार नहीं है। अबे चुप, मैं तेरे अंदर का रैबिट हूँ। अबे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तू बाहर कहाँ से आया? ये बातें बताई नहीं जाती। अच्छा चलो मान लिया कि तू मेरा जमीर है, तो मुझे तू बता कि मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। पहले मैं तेरा जमीर हूँ, कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। दूसरों को बोलता रहता चमकीला बंदर तो तू है। यार इसको छोड़ो यार। बहरहाल आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे टॉक्सिक कम्युनिटी यानी पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी के बारे में। अबे साले ट्यूब का नशा करने वाले जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। यार तू बात नहीं समझ रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने शाउट आउट को बिजनेस समझ के ना लोग छोटे जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों का खुदू काटा हुआ है। लगता है तेरे साथ कुछ हुआ है। फ्लैशबैक। तो यार सीन कुछ यूं है कि मैंने मर्सीलेस मेडिक को मैसेज किया था आज से कुछ दिनों पहले, तो तुम लोग ये चेक कर सकते हो, ये बराबर में स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, और ये भी चेक करो ये इनकी ऑफिशियल आईडी है। तो अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि भाई मैंने उनको बोला था अस्सलाम वालेकुम मैम, आपके साथ एक कोलैबोरेशन वीडियो बनानी है, आई हैव 2.40K सब्सक्राइबर बट सपोर्ट जितनी चाहिए होती है उतनी नहीं मिल पा रही है, सुना था कि आप स्ट्रगल करने वालों की हेल्प करती हैं। कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने इनको मेंशन भी किया, ये तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने मेंशन किया, मैंने फिर इनको बोला काइंडली रिप्लाई कर दें बाजी, आपसे बात करनी है, प्लीज़ मैं जवाब दें। फिर उनका मैसेज आगे से क्या आता है भाई लोग, आप इनको पढ़ सकते हो, ये बराबर में स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये आता है। मैंने उनको बोला कि मैंने बोला मैम मैं काफ़ी स्ट्रगलिंग यूट्यूबर हूँ, स्ट्रगलिंग यूट्यूबर की भी हेल्प करती है, मैंने बोला था आई एम वन ऑफ देम एंड सपोर्ट प्लीज़ आई जस्ट वांट टू प्ले विद यू, मैंने बोला था एक गेम खेलना आपके साथ, एक वीडियो बनानी है। फिर उसके बाद मैंने बोला प्लीज़, मैं उनसे प्लीज़ कर रहा था, तो उसके बाद मैंने उनको एक वीडियो भेजी, मैंने बोला एक दफ़ा तो आप देख लें, लेकिन कोई उनका रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने अभी इनको कल बोला कि मैं एक छोटा सा रोस्ट बना रहा हूँ आपके ऊपर, तो इनका सिर्फ एक थंब का एक मैसेज आया कि हाँ बना सकते हो, मैंने बोला कोई इशू तो नहीं है, बोले नो इशू, मतलब ऐसे जवाब देने में कोई इशू नहीं है लोगों को। तो हम लोग जब इस तरीके से कोई स्ट्रगलिंग यूट्यूबर, अगर भाई देखो आप लोग इतना ऊपर चले गए हो तो कम से कम नीचे वालों को तो देख सकते हो कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम सपोर्ट तो दिखा दो, हमारी मेहनत ज़ाया तो नहीं जाए, अगर अच्छी बना रहे बुरी भी बना रहे लेकिन नीचे आके बता दो कम से कम यार, बस यार ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी वीडियो एंजॉय करो। एंड अ फ्लैशबैक। तो यार मसला ये है कि यार हम लोगों का जो सीन है ना, हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं जिनको असल में सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इन लोगों का चैनल पहले से ही ग्रो कर चुका होता है। अब इनको चाहिए ना कि अगर किसी यूट्यूबर को तुम सपोर्ट नहीं कर सकते, उसका चैनल पर नहीं जा सकते, कम से कम उसकी वीडियो देख के तुम उसको ये तो बोल सकते हो कि यार ये तुम्हारी गलती है इसको सुधार लो, कम से कम बंदा यार इतना तो कर ही सकता है ना यार, लेकिन नहीं, पैसा कमाने से मतलब है हमें तो बस। अबे तो साले तू क्या करता है, तू भी तो हर वीडियो के अंदर एक ही बात बोल रहा होता है, ब्रांड प्रमोट कर दो, ब्रांड प्रमोट कर दो, क्या सीन है ये? अरे मेरे बोलने का मतलब ये है कि यार कमाओ पैसे, कमाने से कोई मतलब नहीं है, यूट्यूब पे बंदा इसीलिए आता है, लेकिन जो बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कम से कम उन लोगों को सपोर्ट तो करो थोड़ा सा यार, उनको बताओ तो उनकी गलतियां क्या है। अबे यार मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, तुम लोग इसकी बकवास सुन क्यों रहे हो जो ये वीडियो देख रहे हो? देख भाई लोगों का अलग अलग नजरिया होता है देखने का, अब मुझे क्या पता है तुम लोगों के पास दिमाग है भी या नहीं है, बल्कि नहीं है। मैंने ये लाइन इसलिए बोली है, अभी तुम लोगों को आगे पता चलेगा मैंने ये लाइन क्यों बोली। सारा सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वो ये लड़कियां ले रही हैं। अबे साले अब क्या है, मुझे लगा तेरी बकबक खत्म हो गई है। अबे सुन तो ले मेरी बात। अच्छा अच्छा बोल, चल बोल, क्या बोल रहा है। तो बेसिकली होता ये है कि जो हमारी पाकिस्तान की जितनी भी गर्ल्स स्ट्रीमर्स हैं, अपना लिली लाइफ गेमिंग हो गई, मर्सीलेस मेडिक हो गई, और जो जो लाइव स्ट्रीम पे अपना फेस कैम और वॉइस ओवर करती हैं, इनके मजे सारा 10-10 फिल्टर अपने कैमरे के आगे लगा के ना ये लोग बैठ जाती हैं आगे, और फिर स्ट्रीमें कर रही होती हैं वॉइस ओवर के साथ, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, और उसके बाद लौंडे ही लौंडे। अरे नहीं नहीं तुम लोग मेरी बात गलत समझ गए होगे, मुझे पता है तुम लोग मुझे पता है तुम लोग क्या समझ रहे होगे, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बोल रहा हूँ 80% उसकी चैट होती है ना लोगों की, उसमें लौंडे ही होते हैं सारे। अबे तो चवल इंसान, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ है वो जो भी करे। अगर भाई ऐसी बात है ना यार, तो यार ऐसा होता ना तो यार डकी भी ना कभी भी फेमस नहीं हो पाता।
अबे ये कहां से बीच में आ गया भाई। अगर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती ना, ना अभी डकी इतना ऊपर होता, ना शाम इदरीस इतना ऊपर होता। माना कि डकी का कंटेंट अच्छा है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं है। पहले बहुत अच्छा था उसका कंटेंट, क्योंकि पहले वो ना एफर्ट लगाता था। अब उसको किस बात की परवाह है, उसके 2 मिलियन हो गए। अब वो उसने कुछ भी डाल लेना, आवाम ने आ जाना, डकी की वीडियो आ गई, चलो भाई देखते हैं। Get some help. मैं तेरा मतलब समझ गया। तेरा मकसद है तू कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, पकड़ पकड़ के ऊपर जाए, यही मकसद है ना तेरा। अबे यार मैं चाहता हूँ कि जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं ना, उन लोगों को सपोर्ट किया जाए, बस मैं इतना चाहता हूँ। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का किसका शौक होता है यार। अगर मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ यूट्यूबर्स का नीचे लिंक दूंगा, उनके चैनल का लिंक दूंगा, वो एफर्ट लगा रहे बंदे, आप लोग जाके उनको सब्सक्राइब करो। अगर पहले देखना अगर इस लाइक है कि सब्सक्राइब किया जाए, जाके अपनी राय बताओ कि भाई हम इसकी तरफ से आए, चेक करो। अगर अच्छा लगता तो सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगता तो कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन देखो जरूर यार। जानी तू उदास मत हो यार, तेरा टाइम भी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा तेरा हो गया ना, अब मैं जाऊँ? हाँ भाई यार मेरा हो गया, अब तू निकल। चलो बच्चों मैं अब मंत्र शुरू करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। घोड़ा मुर्गा भैंसा कुत्ता अपने खेत में, बन जाओ तुम अपने अपने भेस में। यार आज के लिए इतना ही, मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी छोटी हो गई है, बस ये एक छोटी सी मैंने वीडियो बना ली थी अवेयरनेस के लिए। तो अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिनका नीचे मैंने लिंक दिया उनको भी जाके सब्सक्राइब करना है तुम लोगों ने। अगर तुम लोग चाहते हो कि इसका दूसरा पार्ट बनाऊं मैं, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका दूसरा पार्ट चाहिए। बाकी यूट्यूबर्स भी है जिनके बारे में मैं जानता हूं, जो इस किस तरीके का काम करते हैं, अगर आप बोलते हो तो फिर मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो यार मुझे इजाजत दो, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखना।